गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7 और एग्जैक्ट 7 बजे धूप आ जाती है। इतनी धूप आ जाती है कि उठने को मजबूर कर देती है। और रात में इस घाट पे सोया था और बहुत अच्छी नींद आई थी। एक्चुअली 12 बजे तक तो गर्मी रहती है, ऑटोमेटिक 12 बजे के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं क्या माहौल है। क्या बनाओगे नाश्ते में? आलू के पराठे। पहली और सुबह तो जा चुके खेत में, 6 बजे चले गए। और मामा जी कितने बजे गए? मामा जी 5 बजे खेत में चले गए थे। खरगोश इसके अंदर है, इसके ऊपर तो धूप आ जाएगी। इधर रख दियो थोड़ी देर में। लाइट आ रही है अभी? हाँ। जो मेरे दूसरे मामा जी हैं, विजयपाल मामा जी, वो खेत में आए हुए थे। मेरी मामी जी ने बोला कि चाय और पानी और खाना दे के आना है मामा जी को, तो मैं पानी और खाना लेके आया था उन मामा जी के लिए। यहाँ का माहौल, ये जो कल खेत गया था ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ है ये खेत, ये दूसरा गांव है कुंडा। और वो जो रोड जा रही है वहां से यहां तक पूरे मामा जी के खेत हैं लास्ट तक। तो यहां पर मैं उनके लिए पानी और चाय और खाना लेके आया था। ये मामा जी को ढूंढते हैं, शायद उस तरफ होंगे कहीं पे। मामा जी मिल गए हैं, उस तरफ बैठे हुए हैं किसी के साथ। देखो ये सफेदे के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट। कितना प्यारी चिड़िया बोल रही है। ठीक है, चलते हैं वापस। देखो भाई सूरज चढ़ना शुरू हो गया है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं। बस 2 घंटे और काम करेंगे जब तक कि सूरज इतना ज्यादा ना हो जाए कि काम करना मुश्किल हो जाए। आ गया हूँ अपनी बाइक के पास और यहाँ पे देखो ये बरसीन है जो गाय भैंस का चारा होता है। डेली इतनी पोर्शन कटती रहती है धीरे धीरे और अपने आप ही आती रहती है, धीरे 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 कटती रहती है। गाय भैंस के लिए भी हमें गांव में जमीन छोड़नी पड़ती है। यहाँ पे काफी गर्मी है और मेरा तो माथे का पसीना सूखता ही नहीं है कभी भी यहाँ पे। और निकलते हैं घर पे जल्दी, मामी जी ने बनाए हैं आलू के पराठे और करते हैं नाश्ता। कल सब तक मैं 4 बोतल खत्म कर चुका हूँ बिस्लरी की, ये 5वीं, 4 बोतल बची है। एक मामा जी का तो खाना खेत में दे के आ गया हूँ, अब बिट्टू अम्मा का दे के आना है और वहीं पे ट्वेल पे नहाऊंगा। जल्दी जल्दी कर दो पैकिंग। रोटी पैक होगी, सब पैक हो गया। पानी, पानी थैले में रख दे। वे चिड़िया अब भी आ रहे हैं दो, वे नहीं वे जो बैठी ऊपर उस पर। पहले यहाँ था घर, यहाँ किसने तोड़ा? अपने आप टूट गया। अभी इधर बना दिया घर, 4 दिन के अंदर घर कंप्लीट कर दिया। अरे ये किसका घर है? ये अंजनियारी का होगा। रखा हुआ है भूस और एक कमरा हो रहा है भूस का। कितना सारा भूस भरा हुआ है इस कमरे में, भूस ही भूस है। 2 साइकिल तो तुमने बेकार कर दी, अभी स्कूल ही नहीं खुल रहा इस वजह से पड़ी है ऐसी है, बाद में ठीक कराओगे। तो देखो कितना सारा खाद रखा हुआ है, कितने पैसे लगते हैं खेती में, इन्वेस्ट होते हैं ये सारे। ये पूरा खाद है। सुबह आ गया, सुबह क्यों आया? तू भी आ गई रोटी लेने? वहाँ छोटे मामा भी हैं, तो उनकी भी जा गई। हाँ, पैक कर दी उनकी भी, प्याला भी रख दिया चाय का। दो मैं नहा के वहीं आऊंगा। चल रही है नौजवान मामा की बिजली? नहीं चल रही, चल कोई नहीं, अब आ जाएगी जब तक। आएगी 11 बजे तक। तो एक कालू कुत्ता भी आ गया रोटी मांगने, रोटी दे दे इसे। सुबह आ गया मशीन लेके और मैं भी खाना लेके। यहाँ पे 2 मामा जी काम कर रहे हैं, छोटे मामा जी और बिट्टू मामा जी, वही खेत में आ गए जिसमें रात आए थे। सुबह बता रहा है जो बनी खरगोश है वो इस खेत में मिला था। इस खेत में ये निलाई कर रहे थे, फावड़े से साफ कर रहे थे, तभी वो इतना सा दिखाई दिया। मैंने क्या सोचा 12 पे नहा लेते हैं मॉर्निंग में भी, घर पे कौन नल का खींचे ये करे वो करे। लेकिन सुबह ने बोला कि 12 नहीं चल रही, तो मैं अपने कपड़े लेके नहीं आया था। ये देखो 12 चल रही है, कितनी बढ़िया चल रही है। और अब मुझे वापिस जाना पड़ेगा, कपड़े लेके आने पड़ेंगे। चल एक 12 वहां पर है, उसमें बिल्कुल नहीं नहाना, सब मना करते हैं, उसमें करंट आता है। अभी अभी एक चीज ध्यान आ गई है 12 पे नहाने से पहले कि यहाँ पर एक इनका पर्सनल नाई है जिसका नाम है मीता। तो अभी मैं विजयपाल मामा जी को खाना देने गया था, उन्होंने बोला कि मैंने फोन कर दिया मीते को, बाल कटवा लेना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से दुकान नहीं खुली है देहरादून में और बाल बिल्कुल नहीं कटवा पाया, बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं। तो जो गाँव का नाई है मीता, उससे मुझे बाल कटवाने हैं। अब देखते हैं वो कहाँ पर है, फोन वोन करके पता करते हैं। अच्छा वो पहले बाल कटवा लेते हैं, फिर 12 में कूद पड़ेंगे। अभी तो बाल भी कटवाने हैं ना। तो ये वाली 12 है मामा जी की, इसमें करंट आता है।
तो भाई बनी को देखने का मन कर रहा है, बहुत देर होगी इसको देखा नहीं है। ये रहा बनी, कितना प्यार से बैठ रहता है। और देखो इसको खोल दिया तो कितना खुश हो चुका है, आजादी मिल चुकी है इसको। कैसे पीछे हट गया, अब तो इसे उठा सके हाथ में, भाग जा, भागने का नहीं। भाग गया, घुस गया उसके अंदर। चल कोई बात नहीं, देख इसके नीचे बैठेगा ही जाके। तो यहाँ पे मैंने बनी को अपने हाथ में लिया हुआ है और देखो बनी क्या क्या शरारते कर रहा है। शुरू में तो ये एक्टिव नहीं रहता पिछले एक दो मिनट तक, फिर ये धीरे धीरे जगना शुरू हो जाता है, जानबूझ के एक्टिंग करता है बहुत ज्यादा ये। तो अभी ना हम इसको लीची खिला के देखेंगे, देखते हैं लीची खाएगा या नहीं खाएगा। ने बनी के लिए लीची छीली है, देखते हैं। मुझे ना बनी गिलगिला लगता है, अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे ऐसे हाथ रखता हूँ ना तो ये पंजों से ना अपने वो करता है, मेरे को गिलगिला लगता है बहुत ज्यादा। मुझे डर लगता है कहीं मैं इसको छोड़ ना दूं। ये देखो कैसे बैठा है मेरे हाथ पे। बनी के बाद बाल भी बहुत सारे झड़ते हैं, देखो ये कितना क्यूरियस है। और इसके लिए हमने लीची छीली है, चलो लीची खिलाते हैं इसको। तो इसके सामने लीची कर दी है, देखते हैं कैसे। ओह माय गॉड, इसको ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लीची, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लीची। रहने दे, ये बहुत काफी कड़वी है, दूध को तो ये चट कर जाता है। कभी आज तक ये खाद पे से कूदा है नीचे? हाँ बहुत बार कूद जावे। वैसे इसको कूदना नहीं चाहिए खाद से नीचे, तो नालायक बच्चा है। बनी को लीची ऐसे खिलाई जा रही है और देखो इसने शुरू कर दिया है लीची खानी। शुरू में नखरे दिखाता है लेकिन इसके मुंह पे लगा दो तो ये फिर धीरे धीरे खाने ही लगता है। ये देखो इसको कितना टेस्टी लग रहा है। अब ये खा रहा है, मना भी कर रहा है लेकिन खा भी रहा है। बहुत है। लगभग 9:30 बज चुके हैं और धूप तेज होती चली जा रही है, धीरे धीरे गर्मी हो जाएगी। अच्छा हुआ यहाँ पे एक पेड़ है ये तुन का, जो कि गाय भैंस पे छा देता है। और बनी यहाँ पर आधी लीची खा चुका है। स्लीपिंग टाइम हो गया बनी का, बनी को अब आराम से इसको रिलैक्स करवाते हैं। भाग रहा है, इसका पता ही ढकेंगे। सानू यहाँ पे भूस निकाल रही है गाय भैंस के लिए, सारे में उड़ा दिया। तो मैं और सुबह आए नहाने, उस वाली ट्वेल्व बनाएंगे जिसमें कल नहाए थे, कुछ बच्चे पहले ही नहा रहे हैं वहां पे। मामा जी ने काम खत्म कर दिया अपना स्प्रे वगैरह, तो ये भी घर जा रहे हैं। दोपहर के बज रहे हैं 11:45, काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है। वो सामने गांव है तीतपालू और यही रोड जा रही है सहारनपुर और सरसावा। सरसावा यहाँ से मेन सिटी है जो कि 3 किलोमीटर दूर है, सहारनपुर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। देखो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और गांव के लोगों ने अपने अपने देवता बनाए हुए हैं सब जगह, जैसे ये बनाए हुए हैं देवता। कुछ शादी ब्याह होता है तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा होती है एक देवता, वहाँ पर है किसी और के। तो फिलहाल धान की खेत लगे हुए हैं, पानी जा रहा है सब जगह। तो इस ट्वेल में ना करंट आता है, इस वजह से इन्होंने ना ये कवर कर दिया, क्योंकि गलती से कोई पानी पीता है नहाता है तो बहुत तेज़ करंट लगता है, तो इन्होंने परेशान होकर ये पूरी ढक दी है। तो वैसे एक बात बताऊँ, करंट तो इसमें भी आ रहा होगा, इस वाले पानी में भी आ रहा होगा, यहाँ तक नहीं आता, बस अंदर अंदर रहता है, उसमें ही रहता होगा, इतनी दूर तो करंट टूट जाता होगा। चलिए चलते हैं फिर उसमें नहाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं क्या हाल है। पहुँच गए 12 पे। अरजीत और उसका भाई लक्की कौन सा, यू है लक्की? लक्की नाम नहीं दे रहा किसी को। बच्चे भाग गए भाई, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ट्वेल्व भी खाली होगी तो मौके का फायदा उठा के नहा लेते हैं। तो अपना तो नहाना धोना हो गया, ये बच्चा कितना शर्मा रहा है, पूरा कच्चा गिल्ला कर लिया इसने। हमसे शर्मा रहा है, ये छुप रहा है, ट्वेल्व में जाके कच्चा बदल रहा है। तो इधर आ, बाहर आ जा, जो दिखना था वो दिख गया है। और भाई मामा जी फिर से लग गए हैं काम पे, बार बार इनको दवाई भर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और दोबारा से फिर काम पे लग गए। पूरी धूप में लगे पड़े हैं, सिर पे कुछ रख भी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे से शाम के
7:30-8 बजे तक लगे रहते हैं। और इस जैसे बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं गांव में। ये गांव का सबसे शैतान बच्चा है लक्की, ये छोटे मामा जी का, जो देहरादून में कोमल रहती है ना, कोमल, कोमल के मामा का लड़का है ये, सगे मामा का लड़का है ना। कोमल को जानता है? कोमल को जानता है? कहाँ रहती है? हरियाणा, हरियाणा दद्दूपुर। हाँ। गया तो उसके घर। आम के पेड़ के नीचे छाँव में थोड़ी देर के लिए खड़े हैं और यहाँ पर लक्की, शुभ सब नहा चुके हैं, जा रहे हैं घर। बाकी जगह काफ़ी धूप है, हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है ट्वेल्व में क्योंकि धूप बहुत तेज है। हम उस ट्वेल्व में नहा रहे थे, बहुत संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं गिर गया था इस तरफ राइट साइड में, मतलब मेरा पैर फिसल गया था राइट साइड में, तो पूरा गारे में चला गया था। हालांकि उस टाइम मैं ट्वेल्व पे जा रहा था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जा रहा हूँ घर नहाने के बाद तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो वापस आ गए अपनी ब्लैक पैंथर के पास। राहुल भाई ने मेरी बाइक को नाम दिया था ब्लैक पैंथर जब हम नाग टिब्बा ट्रैक पे गए थे, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको ब्लैक पैंथर ही बोलूँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ क्योंकि इससे अभी मुझे बहुत काम निकलवाना है और काफ़ी दूर दूर का सफ़र करना है। आपको एक अपडेट और दे दूँ, जो आगे अजय नेगी भाई हैं जिनका कैंप है डेंस फॉरेस्ट में कॉर्बेट में, उसके बारे में मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, यूट्यूब फैमिली को, किसी को भी, क्योंकि वो कैंप बहुत ही यूनिक जगह है। मैं चाहता हूँ मैं खुद आपको जाके वहाँ पे दिखाऊँ। अजय नेगी भाई का कल मैसेज आया था कि भाई 15 जून से पहले आप आ जाओ दो नाइट्स के लिए कैंप में, तो मैंने बताया था कि मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जोनी भाई से पूछा, जोनी भाई ने भी मना कर दिया, वो कह रहे कि रोदनाथ ट्रैक पे चलेंगे यार। तो राहुल भाई से पूछा, राहुल भाई ने बोला कि बजट कितना है। अभी मैंने अजय भाई को मैसेज किया था कि हम दो बंदे आएंगे, मैं और राहुल भाई, बजट आप मतलब आप एक्सपेंस बता दीजिए कितना हमें पे करना होगा आपके कैंप में रुकने का। जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं अपनी बाइक पे और राहुल भाई दो दिन के लिए उस कैंप में रुके हैं इससे पहले वो क्लोज हो। और बहुत ही औसम जगह, बहुत ही जंगल में है, टाइगर और एलिफेंट आसपास ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ रामगंगा नदी के किनारे है, आपको पूरा फील देना चाहता हूँ उस कैंप का। देखते हैं जैसा भी प्लान होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। और कल सुबह मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूँ देहरादून, मेरे साथ सुबह जाएगा, इसकी बहन जाएगी। कौन जाएगा पता नहीं, उन दोनों का डिसाइड नहीं हुआ। सहेली जाएगी, अगर नहीं तो मैं और सुबह तो जाएंगे ही, तो जाएगा ही। तो सुबह सुबह 5, 5:30, 6, 7 बजे हम निकल जाएंगे देहरादून के लिए। और पास वगैरह मैं लैपटॉप में आज रात को बना लूँगा। और अभी जाता हूँ मैं सरसावा, सरसावा जो यहाँ का फेमस चाट वाला है, समोसे वाला है, बेस्ट है, बेस्ट, उससे अच्छा कहीं नहीं देहरादून में तो मिलता ही नहीं है। और मुझे भी आज तक लाइफ का सबसे अच्छा समोसा और चाट उसी की लगती है। तो चलते हैं सरसावा, सरसावा घूमते हैं थोड़ा बहुत। और एक गांव यहाँ पे बढ़ेड़ा गांव है पास में, वहाँ पे मौसी जी रहती हैं, तो उन्होंने उनके बच्चे भी बुलाते रहते हैं, 3-4 बार बुलाया मैं जा नहीं पाया, तो अभी वहाँ भी जाते हैं, एक दो घर वहाँ भी घूमते हैं और फिर वापस तेलीपुरा। भाई सामने से आ रहा रजत जिसके पास पिटबुल है, विनोद अम्मा जी का लड़का। आ जा आ जा, तेरे को भी कर लिया रिकॉर्ड। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? तो नानी जी ने यहाँ पे दाल साफ कर दी है 5 किलो, यानी कि एक दड़ी। यह कल ले जानी क्या मुझे? हाँ। मोटरसाइकिल से देहरादून मेरे साथ कल कौन कौन जाएगा सुबह सुबह? 6 बजे निकल जाऊंगा मैं। तो भाई मैं आ गया हूँ बजरंग चाट वाले के यहाँ, सबसे फेवरेट समोसा है मेरा, अब इसको खाते हैं। तो यहाँ पर आ गई है चाट, बहुत दिनों बाद मिल रही है भाई, अच्छे वाली चाट। भैया ने मेरे को पहचान लिया था बजरंग चाट पे, कभी सरसावा है तो बजरंग चाट भंडार पे आ जाना भाई। मेरा मैं वैसे समोसा कहीं नहीं खाता, समोसा चाट कभी मैं यहाँ आता हूँ मामा जी के यहाँ पे तो यहाँ पे जरूर खा लेता हूँ। तो भैया की मैंने गूगल मैप पे लोकेशन भी डाली थी इसलिए भैया को याद है, उससे काफ़ी हेल्प मिली। बहुत लोगों ने जो हाईवे पे जाते हैं तो वो देख लेते हैं भाई कहाँ पे चाट की दुकान है, बहुत नीट एंड क्लीन है भाई। ये दो तरह की वो डालते हो आप, ये किस चीज़ की है? ये उड़द की दाल की है, ये मूंग की दाल की है, पापड़ी है, आलू है, दही है, चटनी है। मैंने कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले वहाँ सहारनपुर के पास खाई थी एक रेडी वाले के पास, लेकिन उसकी दही बहुत पतली थी, मजा नहीं आया, आज जाके शांति मिली। तो भाई बजरंग चार भंडार के बाद आ गए यहाँ पे, ले खा, बेस्ट। सरसावा में खाना पीने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बढ़ेड़ा गांव, मौसी जी का लड़का यहीं पे आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता उनके घर का। तो देखो कितना अच्छा आम का पेड़ है, उसके नीचे ट्वेल है, कितनी छाया है, अभी एक लड़का नहा के गया है यहाँ पे। तो प्रिंस के साथ घूम रहे हैं गांव बढ़ेड़ा में, अभी जा रहे हैं दूसरी मौसी के घर, इनके घर पे तो होली है। तो भाई पीछे नीम का पेड़ और उसके नीचे खाट, यही पहचान है गांव की। हमारे गांव में तो एक्सिस बैंक भी खुला हुआ है बढ़ेड़ा शाखा, अरे वाह। ये किसका घर है? अच्छा ये भी जाटो का घर होगा सामने, इसमें तो आया मैं, इसमें तो पंचायत, अच्छा प्रधान है पहले। इस सीजन के आम खट्टे कच्चे आम, नमक और मिर्च के साथ बढ़ेड़े गांव में एंजॉय करते हुए।
भैंस ने दाल खा ली बहुत देर में देखा। भागो पकड़ो जल्दी, इतनी महंगी दाल है पता है, नसीब भी नहीं होती लोगों को। यो आदमियों को नहीं मारते, आपस में लड़े हैं बस। चलो एल्बम देखते हैं, बहुत पुरानी। थोड़ा खेत की तरफ आए थे, प्रिंस खेत दिखा रहा था। तो ये हाईवे है पास में, बिल्कुल नया हाईवे निकला है ये, अम्बाला देहरादून और इसके सारे खेत हैं। कितने बड़े पक्षी हैं भाई, ये देखो वो उड़ गया और एक बैठा हुआ है, ये लाल कलर का सिर है इसके ऊपर। तो गाँव में भी देखा कितने तरह की बर्ड देखने को मिलती है। झोटा बुग्गी आ रहा है, ये लोग सोच रहे हैं मैं किस चीज़ का फोटो खींच रहा हूँ, किस लड़की का फोटो खींच रहा हूँ। तो प्रिंस मेरे लिए बोतल में पानी भर रहा है। यहाँ पर इवनिंग में गांव के लड़के डेली शूटिंग करते हैं, इसको शूटिंग बोलते हैं वॉलीबॉल को, क्योंकि बॉल बहुत हार्ड होती है। तुम्हारे तो अमरूद भी लग रहे हैं, अमरूद आम छत पे आ जा, छत से ही तोड़ लो। नींद भी है, यो भिरड़ लग रही है, हट जा खा लेंगी। मैं सूझ जावा मुँह वैसे तेरा सूझ रहा। इसको भिरड़ ने काट लिया ततैया ने। ला मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ दूंगा। ततैया ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है आम के चक्कर में। तो ये आम तोड़ के लाए छत से, मुझे भौंक रही है। जब ये बंदी रहती है तब बहुत भौंकती है। बस क्या है, खोल दे तेरे को, खोल दो सब, गेट बंद कर दो। गेट बंद करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको खोलना है, वरना ये बाहर भाग जाती है। तो आज का डिनर हमारा यहीं इसी गांव में होगा, प्रिंस के घर पे। मौसी जी बना रही हैं चटनी माम जस्ते में, इसमें बस अम्बी डाल ली है और क्या क्या डाला, प्याज प्याज पुदीना गुड़, अच्छा ये वाला गुड़ है ये। इवनिंग चाय, तो अपना डिनर का टाइम हो गया भाई। ये कौन कौन सी है, तो भिंडी होगी या आम्बी की सब्जी या आम की चटनी, ये कच्चा दूध। चलो यहाँ से मौसी जी के यहाँ से जा रहे हैं वापस, तीत पालू पायल प्रिंस उसके दादाजी मौसी जी। जहाँ पर अभी हम थे मौसी जी के घर पे, वो बुढ़ेड़ा गांव से ये तीत पालू गांव सिर्फ पड़ता है 6 किलोमीटर दूरी पे, और हम 10 मिनट में पहुंच गए हैं, बस सामने गांव है, पहुंचने वाले हैं। तो मैं अपने मामा जी के यहाँ तीत पालू गांव में हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठूंगा और 6 बजे के तकरीबन मैं सोच रहा हूँ कि देहरादून के लिए जाऊँ। 2-2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाऊंगा, फिर वहाँ पे मुझे मदर को लेकर कचहरी जाना है, क्योंकि जो मैंने प्लॉट लिया उसकी रजिस्ट्री है। कल कास्ट रजिस्ट्री हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, अभी टाइम फॉर मेडिटेशन। मिलते हैं बस कल मॉर्निंग में, गुड नाइट।